ke baad yakeen ka safar. Dr. Zubia Khalil. अब यहाँ काम क्यों करना चाहती इस पहाड़ी इलाके का इंतखाब क्यों सर मुझे लगता है कि आसानियाँ इंसान को सुस्त और काहिल बना देती हैं इसीलिए मुझे चैलेंजिंग काम करना अच्छा लगता है सर पेरेंट्स की डेथ के बाद कराची में बिल्कुल अकेली रह गई थी खाला ने अपने पास पेशावर बुला लिया अब उन्हीं के पास रहती हूँ हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कौन बात कर रहे हैं मैं राशिद अली बात कर रहा हूँ जुबिया का पुराना दोस्त मैंने उसके साथ MBBS किया था एक्चुअली तो जुबिया के खाला से बात हो सकती है जी मैं बात कर रही हूँ एक्चुअली आंटी मैं MBBS करके मैं बाहर चला गया था अमेरिका तो बाकी दोस्तों और जुबिया से ताल्लुक खत्म हो गए थे तो अब पाकिस्तान आया हूँ कुछ दिनों के लिए तो सोचा कि दोस्तों से मिलूं तो एक पुराना जो कॉलेज का दोस्त था उसने आपका नंबर दिया बेटा वो मेरे पास कुछ अरसे रहने के लिए आई थी फिर वो चली गई और ये तो काफी अरसा पुरानी बात हो गई है अब आप उसके साथ पढ़ते थे आपको तो उसने बता दिया होगा ना जी जी उसने बताया था कि कुछ घर के हालात खराब थे उस वक्त हाँ छोटी सी थी उसकी माँ का इंतकाल हो गया हाउस जॉब कर रही थी अपना घर छोड़ दिया उसने बस उसका भाई और भाभी उनका सुलूक अच्छा नहीं था उसके साथ मेरे पास आगे रहने के लिए लेकिन फिर उसको उसके प्रोफेसर का फोन आ गया था फिर वो वहीं चली गई थी अस्पताल में नौकरी के लिए और फिर वहीं रहने लग गई एक बात बताऊं मेरी भांजी बहुत मजलूम थी बहुत मासूम बस हालात की वजह से वो इधर उधर फिरती रही लेकिन खुशी इस बात की है कि अब वो जहां पर भी है ठीक है और अपनी नौकरी कर रही है बल्कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें उसका नंबर दे सकती हूँ उससे बात कर लो तुम होल्ड करो ओके आंटी बहुत शुक्रिया कि अम्मी ने मुझसे मेरी खाला के घर का एड्रेस मांगा हमारी शादी हम दोनों के बीच में तो इस तरह की कभी कोई बात हुई नहीं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती ना आज और ना कभी ना आपसे और ना किसी और से नहीं मैं आपको
वजह बताने की पाबंद नहीं हूं। आखिर क्यों? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी फैमिली तुम्हें पसंद करती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो कैसी मोहब्बत? चलो सो गया मेरे साथ। चलो मेरे साथ। क्या हो गया भाई? पीछे हटो। तुम्हारी भी माँ बहने होंगे, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, ये मुझे धोखे से यहाँ पे लाए। अरे हाजी साहब, आप चुप खड़े क्यों हैं? तो यार पुलिस को फोन करो। हाजी साहब, पुलिस को बुलाइए। क्या हो रहा है यहाँ पे? शरीफ बच्चियां अपने माँ बाप की इज्जत को सरेआम रुसवा नहीं करते। कोई इज्जत आबरू का भी ख्याल करना चाहिए तुम्हें। आप तो पुलिस के हवाले कर रहे हो उसे। जाओ सीधी अपने घर। अरे हाजी साहब, ये क्या कर रहे हो? ये दोनों बदकार हैं। मियाँ, अपने होने वाली दुल्हन को कह दीजिए कि इस संडे हम उनका रिश्ता लेकर आ रहे। लास्ट संडे तो हम जा नहीं पाए थे ना खजिस्ता के केस की वजह से, तो हमने प्लान किया कि इस संडे हम चले ही जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये सब रहने दें। क्या मतलब? तुम चाह रहे हो कि हम अभी रिश्ता लेकर ना जाए? जी, मेरा मतलब ये है कि फिलहाल इस सब को रहने दें। तुम सीरियस हो? ठीक है, खजिस्ता के केस की वजह से परेशान हूं। इंशाल्लाह वो केस जीत जाएगी, बाबा सब संभाल लेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं, बस मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये शादी वादी वाला किस्सा भूल जाओ। क्या मतलब है? क्या शादी नहीं करोगे? नहीं, बस जब करनी होगी तो बता दूंगा। क्या हुआ? हाँ, क्या बातें चल रही हैं? कह रहे हैं कि शादी कैंसिल कर दें। असफी, कैंसिल कर दें बेटा या पोस्टपोन कर दें? कैंसिल कर दें। क्या हुआ भाई इसको? पता नहीं मामा, मुझे अचानक से हेलो जुबिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल में हो। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। तुम्हारे और असफन के दरमियान कुछ हुआ है? मतलब कोई लड़ाई या कोई ऐसी बात? क्यों, आप क्यों ऐसा पूछ रही हैं? आज वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था, काफी स्ट्रेंज। मुझे काफी टेंशन देके घर से बाहर निकला है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जुबिया खलील, मैं
भाई उनका। जी जी। मुझे लगा मैं तुमसे पूछूं, मुझे बताओ अगर कुछ ऐसी बात है। अच्छा आप उनके भाई हैं? कराची से आया हूँ। अच्छा मैं देखता हूँ। हेलो तुम चुप। हेलो सुबिया। हेलो सर। जी डॉक्टर जुबिया के भाई हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रेहान खलील जुबिया खलील का भाई हूँ। अच्छा सर यहाँ कुछ साइन कर रहे हैं। डॉक्टर जुबिया कहाँ है? सर अपने वार्ड में हूँ। उनको मेरे ऑफिस बुला। हाँ आप मेरे ऑफिस में बैठे। तकरीबन कोई 1.5 साल बाद मुलाकात हो रही है। मुमकिन है कि वो मुझसे मिलना ना चाहे। मुमकिन नहीं बल्कि मुझे यकीन है वो मुझसे कभी मिलना नहीं चाहेगी। हमारे बीच में कुछ गलत फहमी हुई थी जिसकी वजह से उसको घर से लेकिन उसके बाद मैं भी सुकून से नहीं रहूं। ना दुकान में दिल लगता है ना रात में नींद आ रही। मैं बस आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज अगर आप मेरी उससे मुलाकात करवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं मानता हूं मैंने उसे बहुत तकलीफें दी, दुख दिया। मैं सिर्फ अपनी की हुई गलती का अजाला करना चाहता हूं। बस आप प्लीज मुझ पर इतनी सी मेहरबानी कर दीजिए। मैं एक दफा उससे मिल लूंगा ना, मैं कसम खुदा की दोबारा कभी उसको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ एक बात, मैं जानता हूं इतना सब कुछ हो जाने के बाद माफी के लायक तो हूं नहीं। जितने जुल्म और तकलीफ मैं उसे दे चुका हूं उसके बाद अब मुझे उसके सामने भी नहीं आना चाहिए। क्या हुआ वो? डॉक्टर जुबिया कहाँ है? सर वो हॉस्पिटल में नहीं। तो किसी को नोटिफाई नहीं किया? रेहान साहब मैं बस अभी आता हूँ। क्या हुआ है? सर हॉस्पिटल में कहीं भी नहीं है। सिस्टर साजा बता रही है कि नर्सिंग स्टेशन पे खड़ी हुई थी, थोड़ी देर में परेशानी की हालत में मोबाइल कहीं फेंका है और हॉस्पिटल के बाहर की तरफ गई है। सर मुझे तो समझ में नहीं आया, अल्लाह खैर करे। डॉक्टर जुबिया किस तरफ गई? सर वो तेजी से इस तरफ गई है।
मामा बात करिए, अब आप कर लो काम। हाँ सी भाभी, आपके पास जुबिया का कोई फोन तो नहीं आया? नहीं मेरे पास असी, मैंने जुबिया को कॉल की थी तुम्हारी कॉल से थोड़ी देर पहले, मैं उससे बात करी थी, अचानक से वो कॉल डिस्कनेक्ट करके कहीं चली गई, उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। असी मुझे बताओ प्लीज क्या हुआ है, देखो मुझसे तो शेयर करो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि कोई मसला है तो मुझसे शेयर करो। हेलो असफी, कैसी है? स्टेबल है। अल्लाह, मैं तुझसे जुबिया की जिंदगी की भीख मांगता हूं। उसे कुछ ना हो, वो जिंदा रहे।
और किसी अपने को नहीं खो सकता। इस लड़की ने जिंदगी में बहुत दुख उठाए, तो उसे जिंदगी दे दे, उसे खुशियां दे दे। मैं उसे हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूं। या अल्लाह मुझे मेरी जूबिया जिंदा लौटा दे। क्यों किया उसने ऐसा? मुझे लगता है कि आज आपको यहां देखकर उसे लगा कि उसका झूठ खुल जाएगा, हमारी नजरों में उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी और वो हमें फेस नहीं कर पाएगी। तो उसको आखिरी हल यही नजर आया कि वो अपनी जान दे दे। आपके गलत रवैया की वजह से उसकी जिंदगी की सारी खुशियां खत्म हो गई, इस हद तक कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में भी नहीं सोच पाई। भाइयों को अपनी बहनों से बहुत प्यार होता है, तो आपने ऐसा क्यों किया? मैं अपनी बहन का गुनहगार हूं, उसको तन्हा और लावारिसों की तरह घर से निकाला, कोई गैर के साथ भी ऐसा नहीं करता। उसकी जिंदगी में उसको जितनी भी तकलीफें मिली है ना, वो सारी तकलीफें मैंने दी उसे। यहाँ तक कि जो आज मैं आया हूँ अस्पताल उससे मिलने, इससे भी उसको बहुत तकलीफ पहुंची जो मैंने दी। मैंने जो गलतियां की उसके लिए मेरा खुदा भी कभी मुझे माफ नहीं कर सकता। मैंने कल रात को आपकी खाला से बात की थी, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था कि वो कितनी तकलीफ से गुजरी है, वो भी अकेली। हिम्मत है उसकी, इतनी तकलीफ के कोई बाहिम्मत मर्द भी हार मान लेता। मैं जूबिया को बहुत पसंद करता हूं और मेरी फैमिली भी बहुत पसंद करती है। मैं उसे शादी करना चाहता था तो मेरी फैमिली ने सोचा कि आपकी खाला को कॉल करे रिश्ते की बात करने के, मगर उसके डर और खौफ ने यह भी नहीं होना। सब अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाए।
आसफी, बेटा बताओ अब जोबिया की तबीयत कैसी है? होश में आ गई है। अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं आसफी? बेहतर है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो शुक्र है। अब देखो तुम भी सारे रात के जागे हो, इतने टेंशन में रहे हो, तुम थोड़ा बहुत आके घर पे खा पी लो बेटा, जरा आराम कर लो। मामा आप फिक्र ना करें, मैं भी घर आ जाऊंगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। कैसे हो भाई? ठीक हो? आप कहाँ इतने दिनों से आप घुमाने नहीं लेके गए? मैं यहीं पे हूँ, आप गायब थे। हाँ मैं आपको घुमाने लेके जाऊंगा। आप एक काम करो, मामा से परमिशन ले लो, अगर मामा ने परमिशन दे दी तो हम चले जाएंगे। पूछो। मैं हारून अंकल के साथ में घूमने जा सकता हूँ? जा सकते हैं। मुझे अपने आप से बहुत घृणा है। जितने जुल्म मैंने तुम पर ढाए हैं, रातों रात लावारिसों की तरह तुम्हें बेघर कर दिया। कोई भाई नहीं करता अपनी बहन के साथ ऐसा। जो वक्त गुजर चुका है उसे मैं वापस नहीं ला सकता हूं। मैं बस तुमसे ये दरख्वास्त करता हूं कि मुझे इतना हक दो कि मैं तो अपना हक खो चुका हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि एक दफा तुम मुझ पर सिर्फ इतना एहसान कर दो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से रुखसत कर सकूं। मैं चाहता हूं मेरी बहन इज्जत के साथ अपने घर से रुखसत हो। जुबिया प्लीज प्लीज मेरा जीना मरना आसान कर दो। मैं ये गुनाहों का बोझ लिए मरना नहीं चाहता हूं। तुम मुझसे सच सच भूलोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
कुछ तो भरोसा करती मुझ पर। बस प्लीज, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जैसी हो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुमसे शिकायत है, थोड़ा नाराज हूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं और अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं, तो फिर ऐसा क्यों किया? मत नहीं थी। कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, डरती थी। किस बात से? मैं हूं तुम्हारे साथ, खूबसूरत और रोशन सुबह है, उम्मीदों और खुशियों से भरे। या अल्लाह, बेशक तू अजीम है, दुखों के बाद सुख भी तू ही अता करता है, मुश्किल के बाद आसानियां भी तू ही देता है। अच्छा, दो चीजें जो हम सबको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि हम सब मुसलमान एक हैं। हम सब का मालिक कौन है? अल्लाह है। इस्लाम के 5 रुकन हैं। पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोजा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। अब सब मेरे साथ रिपीट करेंगे, ओके? पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। वेरी गुड, आज के लिए इतना ही था। कल अब सब टाइम पे आएंगे, कोई भी लेट नहीं होना चाहिए। क्या कुछ हो गया इस एक साल में और सब कुछ इतना अच्छा। बाबा खजिस्ता का केस जीत कर खजिस्ता जिंदगी की तरफ वापस आ गई। मेरे समझाने पर प्राइवेट मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी कर ली। मैं और असफंदियार आज साथ हैं। चंद दिनों में हम अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाएंगे। गेती और डॉक्टर हारून की शादी को 4 माह हो गए। साइन, गेती और डॉक्टर हारून सब बहुत खुश हैं। असली एक सेकंड रोके, मुझे लग रहा है खजिस्ता है। खजिस्ता? ज़ुबिया भाईजी, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ जा रही हो? पर्चा देने जा रही हूँ, दुआ करिएगा अच्छा हो जाए। जब टीचर इतनी अच्छी है तो पेपर भी अच्छा होगा। मैं चलती हूँ वरना देर हो जाएगी। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड लक। शुक्रिया। यकीन का सफर घुमा के बाद यकीन का पता।
पता नहीं उसने खाना भी खाया होगा कि नहीं। मेरे बच्चों को तो खिला दो, निकलता है इनको तो खिला दो। साथ सरे राह गुजर निकलता है अब ऐसी चादर एहसास पर गुजारा क्या कि अपने पांव छुपाऊं तो सर निकलता है घुमा के बाद यकीन का सफर।